ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा 2451 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में सियासी उठा पटक के दौर जारी है। मध्य प्रदेश के तासीर अब गर्म हो रही है। वजह यह है कि मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। यह महादंगल में पहलवानन के उतरे के वक्त हो गया है। चुनाव आयोग के द्वारा 17 नवंबर का मतदान के तिथि के ऐलान कर दिन गया है और 3 दिसंबर का परिणाम के तिथि के ऐलान किन गया है। लेकिन यह दौरान यदि देखा जाए तो सियासी पारा गर्म काहे है, ओकर वजह है मध्य प्रदेश में मूलतः दुई पार्टी के बीच चुनाव हो रहा। पार्टी रही भाजपा और कांग्रेस, लेकिन इधर की आम आदमी पार्टी काफ़ी जोर जोश खरोश से जो है विंध्य सहित पूरे मध्य प्रदेश में अपन जो है प्रचार अभियान चलाए रही है। आखिरकार हर जगह जो है सूचन के ऐलान हो गया है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल तक का जो है मैदान में उतार दिया गया है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खास बातचीत सीधी के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मंगल सिंह चौहान से। भैया पहले बहुत बहुत स्वागत है, नामांकन फॉर्म भर दिए हैं आज, नवमी रही, शुभकामना अपना का। धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद भैया। का है माहौल का सीधी के हमसे बेहतर माहौल तो अपना समझो। ये गली गली तो अपना बागी रहे हैं, तब गली गली तो जनता तो स्नेह दे जनता स्नेह दे ही वोट कितना दे ये गिनती की बात। हाँ स्नेह तो मिल रहा है नहीं स्नेह तब पर वोट गिनती की बात लागे नहीं कि स्नेह जब अपना कांग्रेस में रहे हो तब वो मिला है, गोडवाना में रहे तब वो मिला। कांग्रेस में तो ऑप्शन नहीं मिला, गोडवाना मतलब कांग्रेस में बतौर कार्यकर्ता रहे लेकिन गुड़वाना में रहें तो स्नेह के साथ वोटों मिला रहा, वोटों मिला रहा तो जून में किसने मिला रहा है तो हम तो उम्मीद पा रहे हैं कि जनता अच्छा खासा दे। बिल्कुल सही बात है, उम्मीदन पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर आनंद मंगल सिंह जी के इरादों कायम है। आनंद मंगल जी सीधी माँ चुनावी मुद्दा का है, बिल्कुल ईमानदारी से हम चाहिए थे कि जनता वह चीज़ जाने। एठे दल से हम बात नहीं कह रहे कि का करिस का नहीं करिस, वास्तव में जमीनी हालात का है। कहे कि अपनों लगातार जो है सीधी के जमीन खखाले के प्रयास कर लागे और आम जनता से मिल रहे हैं, खास जनता से मिल रहे हैं, गरीब से मिल रहे हैं, अमीर से मिल रहे हैं, मुद्दा का है सीधी के। इकनी मुद्दा जो असलियत मुद्दे हैं, देखिए इन 5-7 सालों में 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता का शोषण किया, अत्याधिक शोषण किया, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए सांसद रहे हों चाहे विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल के और अनैतिक सहारों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति को जनसेवा की बजाय एक व्यवसायीकरण की ओर धकेल दिया, अनैतिक धन का अर्जन किया। अभी आपने देखा होगा सीधी सांसद जी महोदय के यहाँ, जो यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, यहाँ की वर्तमान भाजपा की प्रत्याशी है, उनके यहाँ कई हज़ार घड़ियाँ कंबल हमने देखा तो नहीं पर आप सबके माध्यम से ही सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, तो ये अनैतिक नहीं है तो क्या है? और अगर आपने काम किया तो इसका सहारा लेने की क्या ज़रूरत थी, इसका सहारा लेने की क्या ज़रूरत थी? आज जो यहाँ के वर्तमान विधायक थे उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों काट दिया? चूँकि उनके पूरे परिवार ने इतना ज़्यादा आतंक फैला दिया था, इतनी ज़्यादा दहशत फैला दी थी, इतना ज़्यादा लूट मचा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन में उनका टिकट काटना पड़ा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी नौसिखिया पे दांव लगा दिया और नौसिखिया के सहारे नैया पार करना थोड़ा कठिन होगा, सरल नहीं होगा। भाई उनको ठीक है, राजनीति में उन्होंने संगठन में काम किया और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर हम ये कहें कि हमसे आर्थिक लड़ने तो मैं नहीं लड़ पाऊँगा, हम अपने सेवा भाव से जनता जनार्दन के बीच में अपनी पार्टी की विचारधारा और अपनी विचारधारा के सहारे ही चुनाव लड़ सकते हैं। इन दो प्रत्याशियों में से मैं धन के मामले में कहीं टिकूंगा ही नहीं, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों। तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं टिकट में, अब कैसे क्या टिकट दिया ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन टिकट का सही निर्णय नहीं किया। नहीं तो अपना काहे पेट पीड़ा लगे मेरा कांग्रेस के टिकट बंटवारा में, टिकट चूंकि है क्या कि अगर लड़ना है पहलवान तो सही हो चाहिए, सही हो चाहिए के का सही पहलवान माने हैं ना। अभी तो टिकट की संभावना नहीं चल रही, चूँकि देखिए पैरासूट कांग्रेस लाई,
भारतीय जनता पार्टी पैराशूट कैंडिडेट लाई, सॉरी कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी। भाई आप ये बताइए, सीधी की वर्तमान सांसद हैं, आज उनको गांव-गांव में जाके परिचय बताना पड़ रहा है, 10 साल से सांसद हैं और दोनों पंचवर्षीय में सीधी विधानसभा ने उनको अच्छा खासा जन समर्थन दिया था, आज अपने काम को जनता के बीच में क्यों नहीं बता रहे हैं, सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? ये कहा है कि हमारा पहचान हमारा पार्टी है, नहीं उनकी पार्टी है पर पार्टी के माध्यम से उनका काम भी तो होना चाहिए। सीधी का एयरपोर्ट आया सिंगरौली ले गई, सीधी का एक केंद्रीय विद्यालय इससे पहले आया उन्होंने सिंगरौली ले गई, सीधी का हाउसिंग बोर्ड कार्यालय किन का है नहीं, ये खूब दावा कर रहे हैं कि हम अगर रोके होते हैं तो काया स्थिति में पहुँचते, उनको रोका ही चाहिए, अगर रोके होते तो काया परिस्थिति कौन चीज के वो ले आवे ले जाए संभावना है? बिल्कुल संभावना है, देखिए वो एक जनप्रतिनिधि है और उनके प्रस्ताव का उनके समर्थन का उनके उसका एक मायने रखता है, फिर जनप्रतिनिधि का औचित्य क्या होता है हमें ये बताइए। अपना लागत है कि जो या कुछ सीधी के स्थिति है मुद्दा है दूसरी चीज है कि मैं और कहते हैं सांसद जी 10 साल सांसद थी, 3 साल से तो बंद है केंद्रीय विद्यालय में दाखिला, छात्रों का 70 दाखिला उन्होंने 7 सालों में करवाया, 66 सिंगरौली जिले के हैं, 4 सीधे जिले के हैं और एक वर्ग विशेष को उन्होंने महत्व दिया, मैं सूची दे सकता हूँ आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं सूची साहब भाई शुरू उन्होंने उनको अभी 2-3 साल से कोरोना काल से सांसद निधि फंड बंद है लेकिन इसके पहले 5-7 साल आया उनसे उन्होंने कहाँ क्या काम किया जिसको सार्वजनिक करना चाहिए उनको कि हमने सीधी के लिए ये किया और मुझे वोट चाहिए। नहीं तो अपना आप लड़ाई कैसे मानी थी कांग्रेस से या भाजपा? देखिए ऐसा है कि हमारी लड़ाई जब होती है तो ना भाजपा से होती है ना कांग्रेस से तरफा होती है। नहीं अपना जैसा अब कहन की नौसिखिया का कांग्रेस में टिकट दे दी गए और पैराशूट लैंडर अपना भाजपा वाले का बताई लगे और अपना यह कही लगे सीधी उनका काफ़ी मजबूत हो करी तो मतलब ये मानक आ जाए कि आनंद मंगल सिंह या आम आदमी पार्टी की लड़ाई कैसे? लड़ाई हमारी किसी से है ही नहीं, जब रिजल्ट लड़ाई पड़ी नहीं मैदान में उतरे हैं दंगल में उतरे हैं पहलवानी दिखाई पड़ी। वो ऐसा है कि पहलवानी जब हम लड़ रहे हैं पहलवान हमारे सामने टिक ही नहीं रहा है तो कौन सा पहलवान, उतरने से पहले मैदान छोड़ रहा है तो कौन सा पहलवान, मतलब ये मान रहे हैं बिल्कुल आप। अरे आम आदमी पार्टी, अरे आप देखिए गुरुवर दिल्ली में देख लीजिए कोई मैदान में है, पंजाब में देख लीजिए 117 में बांधने कोई मैदान में है, इंतजार करिए जब आम आदमी पार्टी विधिवत लड़ती है अपने विचारधारा और सिद्धांत के साथ, शिक्षा स्वास्थ्य बिजली सड़क सम्मान निधि जो 10 गारंटी हमारे नेता ने दी है जब उसको लेके जनता के बीच में जाती है तो फिर कोई टिकता ही नहीं पहलवान। जेल में काहे बेड़े दे लगे, जबरदस्ती बेड़े का तो मुंह बेड़ दे, ये परिस्थिति से शायद अपनों गुजर चुके हैं का अपना को गुनाह कर रहे हैं पर अपना के साथ भा नहीं थी, नहीं ये मानी थे कि मतलब गलत तरीके से बहुत गलत तरीके से मैं उसका विरोध भी किया था अपने स्तर से जितनी मेरी क्षमता औकात थी मैंने उस बात को उठाने मैंने तुरंत हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो हालात है वो दिल्ली की परिस्थिति है उसी तरह है जबरन किसी को आप बैठ दो। कांग्रेस से तो अपना के अलायंसो है ना लोकसभा चुनाव के लेके, लोकसभा चुनाव का ऐलान के विचारधारा से प्रभावित तो है ना अपना, विचारधारा से प्रभावित बात नहीं वो हमारे बड़े स्तर की बात है उसके मामले में कुछ नहीं होता हूँ। क्या अलायंस का समझौता है ये बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता केजरीवाल जी हैं संदीप जी हैं भगवंत मान जी हैं ये बताएं उस बारे में मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगा। नहीं तो मतलब यदि अपना की पार्टी कांग्रेस के साथ मिल के लड़ी रही है 2024 के चुनाव तो ये तो माना जाए ना कि कौनों न कौनों आपसी गठबंधन जो होता है इंडिया तो गठबंधन विचारन के आदान प्रदान तो होते हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी ये बात बिल्कुल ध्रुव सत्य है पर किन शर्तों पे इंडिया गठबंधन का शर्त है ये जब पार्टी का हम लोगों को निर्देश आएगा हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि भाई इस तरह से पार्टी नेताएं किया है और उसको इस हिसाब से इंडिया अलायंस के स्टालिन जी सुने होप अपना उनके द्वारा कहा गया कि सनातन कोरोना है सनातन जो है डेंगू है मलेरिया है एक खत्म की जा चाहिए इंडिया अलायंस के मतलब वो अहम हिस्सा है। अरविंद जी केजरीवाल जी नहीं बोली राहुल गांधी जी के बयान नहीं आवा अपनों का बोलब कि सनातन के प्रति यह में टिप्पणी यदि इंडिया अलायंस कह रहा है एक कौन नजरिए से देखें आप ये बताइए जब हमारा राष्ट्रीय नेता इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है तो क्या मुझे करना उचित होगा? नहीं बात उचित की नहीं है चलिए हम अपना का पार्टी से अलग हो के यदि हम बात करें हम लोग पार्टी की एक मर्यादा में बने पार्टी के गाइडलाइन और पार्टी के दिशा निर्देश पे पार्टी में अपना कब आए पार्टी में हमारे 2022 हाँ अप्रैल 2022 में ठीक है उससे पहले काहे में रहे कांग्रेस पार्टी में रहे कांग्रेस में रहे उससे पहले काहे में रहे गुड़वाना गठबंधन पार्टी में रहे उससे पहले काहे में रहे हमने उससे पहले आनंद मंगल सिंह रहे जाति के हिंदू हैं हम उससे इंकार नहीं कर सकते वह हिंदू के से हम सवाल पूछे चाहते कि सनातन का लेके को यह में टिप्पणी करब एक का मानी थे अमर्यादित मानी थे या एका
सिर्फ एक बात मानी थी कि बस वही ठीक है जेका जो मनावत कह रहा है। ऐसा है कि कुछ लोगों की बोलने की आदत होती है। हर व्यक्ति कोई अब देखिए शराब पी के जा रहा है या कि वही आपको नॉर्मल भी मिल जाएगा किसी को गाली दे देगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात बात पे गाली दे के बात करते हैं, तो जो उनकी हैबिट है वो क्या बोले क्या नहीं बोले ये वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन सनातन धर्म पे बोलना उचित नहीं है। सनातन धर्म हमारा धर्म डेंगू मलेरिया से टिप्पणी का मतलब तुलना करे लायक है, ये उनकी कमजोर सोच, ये उनकी। चलिए ठीक है। अब ये बताइए आज नामांकन दाखिल करें कितना उत्साह महसूस कर रहे हैं कि अब फार्म भरा चुका है, अब का कुछ कार्य योजना है अपना कि ये चुनाव का लेकर? चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है नामांकन। हम लोग आपने ही कहा कि हिंदू धर्म के मुताबिक अपने पंडित पुरोहित जाने से पूछ के एक सुदिन बना के काम करते। आज मुझे हमारे गुरुजी ने हमारे पंडित जी ने सुदिन बताया, मैं सुदिन के हिसाब से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दाखिल करने के बाद हालांकि मैदान में बहुत दिन से सक्रिय हूँ कि आप भी जानते हैं कि मेरी सक्रियता, मैं जिस काम को करता हूँ तन मन के साथ पूरे मनोयोग से करता हूँ। और अब जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो जनादेश देगी जो निर्णय देगी हम उसको स्वीकार करें। बिल्कुल मिला के यही अपना रहे हमारे साथ आनंद मंगल सिंह जी, जे आम आदमी पार्टी से बतौर प्रत्याशी के रूप में ये महादंगल में उतर चुके हैं। दंगल में सीधे पहलवानन का उतारे के उद्देश्य यह है कि कम से कम जो लड़ाई हो वो थोकर रोमांचक हो चाहिए। जनता यह रोमांचक लड़ाई के इंतज़ार कह रही है या दंगल के इंतज़ार कह रही है। तो निश्चित तौर पर जैसा कि एक अपील करी थी अपना पंचन से सभी जने से यह चुनाव को लेके कि कौनो लोभ लालच माँ या अपन मत न दे, कहे कि अपना यदि कौनों में के प्रलोभन से अपन मत दे रहे हैं तो ये निश्चित तौर पर समझी कि अपना अपने भविष्य का बर्बाद कह रहे हैं, वर्तमान का बर्बाद कह रहे हैं। कहे कि अपना अपन सवाल पूछे के अधिकार खत्म कह रहे हैं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।